तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आए हो पा, बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से इस फोटो को एडिट करने वाला हूँ। तो देख सकते हो स्क्रीन में, इस फोटो को हम एक ही एप्स में एडिटिंग करेंगे, वो भी बहुत शानदार बनाएंगे गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में घंटे का अपडेट्स को भी ऑल में कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की एडिटिंग वीडियो डालूं तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइनली इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है। तो दोस्तों, इसको शेयर कर लेना है आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप बहुत ही तरीके से डाउनलोड कर लेना। ये रहा स्नैपसीड एप्लीकेशन, कुछ इस टाइप का रहता है, देख लेना। तो इसके अंदर आपको फोटो को शेयर करना है, और शेयर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स वाला आइकन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप टूल्स में चले जाना है, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सॉरी ट्यून मैजिक मिलेगा। तो इसमें जाना है आपको, इसमें जाने के बाद फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लेना है आपको हल्का सा 40+ कर लेना है। और इसके नीचे कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को इसको भी आपको बढ़ा लेना है, इसको भी 50 कर लेना है, ठीक है। और इसके नीचे वाले को भी इंक्रीज़ कर लेना है, 26 कर लेना है। और इसके नीचे वाले को भी हल्का सा बढ़ा लेना है, इसको 12+ कर लेना है, ठीक है। और इसके नीचे हाईलाइट, तो हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर लेना है दोस्तों, ठीक है, 16 माइनस कर लेना है। और इसके नीचे शेडोज, तो शेडोज को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है आपको, 50 कर लेना है, 50, ठीक है। और फिर यहाँ से फाइनली कर देना है आपको राइट। और देख सकते हो गाइस, बिफोर एंड आफ्टर इतना अच्छा हो चुका है ना। फिर आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्यून मैजिक में क्लिक कर लेना है फिर से। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से तीसरे नंबर में आ जाना है और इसको पूरा माइनस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। माइनस करने के बाद आपको यहाँ से फाइनली कर देना है राइट, यहाँ से कर देना आपको राइट, ठीक है दोस्तों। राइट करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है, जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज एडिट, तो इसमें क्लिक कर लेना है मेरे भाइयों, इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्यून मैजिक में क्लिक कर लेना है, और ट्यून मैजिक में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ब्रश वाला आइकन देखने को मिलेगा, तो इसमें क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है मेरे भाई। क्लिक करने के बाद जूम कर लेना है फोटो को, और जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्रश अपने बैकग्राउंड के ऊपर चला लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लेना, एबीसीडी को पूरा शो रख लेना है, यहाँ पर देख लेना पूरा शो रख लेना है इसको, ठीक है। और जूम कर लेना है, और कुछ इस प्रकार से पेंट कर लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार जूम कर लेना, जितना जूम हो सके ना उतना, और इस प्रकार से पेंट कर लेना अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो गाइस, इसको जूम करके अच्छी तरीके से करना है बैकग्राउंड के ऊपर कलर, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे भाई, कलर हो चुका है, और जहाँ नहीं हुआ वहाँ जूम करके इस प्रकार कर लेना है, ठीक। तो देख सकते हो गाइस, ब्लैक ट्यून हो चुके हैं बैकग्राउंड के पीछे, देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको यहाँ से राइट कर देना है, राइट कर देना है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से फाइनली आपको राइट कर देना है, ठीक है। और देखिए बिफोर एंड आफ्टर, और फिर आप यहाँ तीर वाला आइकन में जाके यहाँ से बैक चले जाएंगे, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ से फिर से क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसमें क्लिक कर लेना है दोस्तों, फिर से टूल्स में, ठीक है मेरे भाई। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिटेल्स, तो यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स में क्लिक करने के बाद फर्स्ट में इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, हल्का सा इंक्रीज कर लेना है गाइस, ये सी भी टाइम में लगेगा फ़ोटो। तो इस प्रकार इसको 11+ कर लेना है, इसके नीचे वाले को भी बढ़ा लेना है, इसको पूरा 50 कर लेना, ठीक है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ से कर देना फाइनली राइट, और राइट करने के बाद आपको फिर से टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ से ट्यून मैजिक में क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज़ नहीं करने का गाइस, इसको 2+ कर लेना है, बट आपके फ़ोटो के हिसाब से रखना है, ठीक है। और इसके नीचे कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है, इसके 0 रख लेना है। और इसके नीचे इसको थोड़ा बहुत प्लस कर लेना है, 2+ कर लेना है। इसके नीचे इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है, 8+ कर लेना है। और हाईलाइट को भी थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है, 28+ कर लेना है। उसके नीचे शेडोज, तो शेडोज को थोड़ा बहुत माइनस कर लेना है, और फिर यहाँ से कर देना है आपको फाइनली राइट, ठीक है भाइयों। राइट करने के बाद आपको टूल्स में जाना है फिर से, क्योंकि गाइस मैं टूल्स में हर बार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सभी एप्लीकेशन टूल्स में है,
इसलिए मैं टूल्स में जा रहा हूँ। तो टूल्स में जैसे आओगे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और आपको ये टूल ये देखने मिलेगा, तो इसमें क्लिक कर लेना। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा गाइस, वर्क कर हो गया है शायद ये। तो यहाँ से स्मूथ टू है गाइस, यहाँ पर देख लेना स्मूथ टू, तो ये सिलेक्ट कर लेना आपको। और सिलेक्ट करने के बाद बस पेस है तो पेस को थोड़ा 25 प्लस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसके नीचे स्मूथ स्किन स्मूथ, तो इसको पूरा शो कर लेना है। और इसके नीचे वाले को भी इसको 23 प्लस कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ से फाइनली कर देना आपको राइट। और देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो जाने के बाद इस फोटो को आपको फाइनली यहाँ से शेयर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको शेयर करना है आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि गाइस में हम 2-3 PNG ऐड करेंगे, तो ये रहा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको फोटो को शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। फोटो को शेयर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके इधर आ जाना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड फोटो, तो देखने को मिलेगा गाइस यहाँ से ऐड फोटो। तो ऐड फोटो में क्लिक कर लेना है आपको, ये रहा ऐड फोटो, तो इसमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी और वो जो मैं बैकग्राउंड सॉरी गाइस मैं जो PNG का यूज करूँगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर बहुत ही ईजी तरीके से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला PNG कुछ इस टाइप का देख लेना गाइस। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, ये जो टूल्स देखने के लिए मिलेगा स्क्रॉल करना और आपको यहाँ पर ब्लेंड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाइयों। यहाँ पर आपको ब्लेंड, तो इसमें क्लिक कर लेना। इसमें क्लिक करने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन करने के बाद इसको बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद गाइस आप यहाँ जाना है और इसको एक और बना लेना है, ठीक है गाइस। इसमें जैसे क्लिक करोगे डबल हो जाएगा, ठीक है। स्केच रूम में क्लिक इसमें क्लिक कर लेना, ठीक है। इसमें क्लिक करना है डबल हो जाएगा, तो यहाँ इसको सेट कर लेना है। और फिर एक और कर लेता हूँ मैं इस प्रकार, जिससे आपको अच्छा लगे दोस्तों वैसे रख लेना है। तो इसको मैं यहाँ रख लूँगा और फिर से मैं एक और बना लूँगा और इस प्रकार कर लूँगा, ठीक है। ऐसे चार अच्छे लग रहे हैं। और रखने के बाद फाइनली मैं यहाँ से करूँगा राइट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से राइट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना हो जाने के बाद फाइनली देख सकते हो वो फोटो में बहुत अच्छा चमक आ गया है। और आने के बाद एक बार और क्लिक कर लेना है गाइस आपको, और क्लिक करने के बाद एक PNG और ऐड कर लेंगे हम। तो गाइस ये ब्रोकन वाला PNG, तो इसको भी आप लगा सकते हो आपके फोटो के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो मैं इसको ऊपर रखूँगा यहाँ पर ब्रोकन, ठीक है दोस्तों, यहाँ रख लूँगा। और फाइनली यहाँ से मैं कर दूँगा राइट कर दूँगा फाइनली, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो गाइस फ़ोटो एडिट हो चुका है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है, ये सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। आई होप आपको वीडियो चली, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में गाइस, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।